नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव में मिली अच्छी खासी सीटों के बाद यूपी में अखिलेश यादव का जलवा है। अखिलेश जहां यूपी की बदौलत विधानसभा से निकलकर संसद तक पहुंच गए, तो उन्हीं की पार्टी के सांसदों की संख्या भी संसद में डबल हो गई। इसके बाद से ही अखिलेश यादव काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। चाहे जो मुद्दा हो, वो अपनी आवाज बुलंद रखते हैं। जिस पीडीए के दम पर वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए, वही पीडीए अब उनको फंसा रहा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले सपा मुखिया ने एनडीए के मुकाबले पीडीए नारा दिया। इसी नारे को राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने भी आत्मसात किया। साथ ही चुनाव के दौरान पिछड़ा, अल्पसंख्यक और मुस्लिमों यानी पीडीए पर जमकर दाव चला। अब अयोध्या रेप केस में सपा इसी दाव पर फंसती नजर आ रही है। वो गैंगरेप जैसे जघन्य आरोप में भी खुलकर पीड़िता के पक्ष में स्टैंड नहीं ले पा रही है, बल्कि कार्यवाही पर ही सवाल उठा रही है। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कैसे पी और ए में उलझा अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला। लोकसभा चुनाव के बाद हर मुद्दे पर सरकार को सीना तानकर जवाब देने वाले और बुलेट की स्पीड से सवाल दागने वाले अखिलेश यादव अयोध्या गैंगरेप मामले में डीएनए टेस्ट से ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे। अयोध्या गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुलकर पीड़िता का पक्ष नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आरोपी उनकी ही पार्टी का सदस्य और मुस्लिम समाज से है। अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी सपा का नगर अध्यक्ष बताया जा रहा है, वहीं दूसरा आरोपी भी नगर अध्यक्ष के यहाँ काम करता था। दोनों आरोपी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, वहीं नाबालिग पीड़िता पिछड़े वर्ग से है। वहीं गैंगरेप का खुलासा पीड़िता के पेट में दर्द होने पर हुआ। जांच में वह 12 सप्ताह की गर्भवती मिली। उसकी तबीयत बिगड़ने पर केजीएमयू इलाज के लिए रेफर कर दिया। उधर इस जघन्य अपराध पर जहां योगी सरकार पूरे एक्शन में है, बुलडोजर कार्यवाही से लेकर आरोपियों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही लापरवाह पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन लिया गया। उधर सपा पिछड़े और अल्पसंख्यक के बीच फंसी हुई है। आरोपियों के अल्पसंख्यक और पार्टी से जुड़े होने के कारण सपा मुखिया अखिलेश यादव मामले में राजनीति होने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी उन्हें मुस्लिमों की हितैषी बताकर पिछड़ा और महिला विरोधी होने का दावा कर रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पीड़े का नारा देकर सपा यूपी में सफलता हासिल करने में कामयाब हुई। उसने जहां 37 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं सहयोगी कांग्रेस ने भी 6 सीटें हासिल की हैं। वहीं 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी सपा पीडीए फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ने का ऐलान किया था। वहीं अब अखिलेश के डीएनए टेस्ट की मांग ने पीडीए फॉर्मूले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा इसे अखिलेश के आरोपी के पक्ष में बयान देना बता रही है, जबकि अखिलेश इसे कानून सम्मत होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अयोध्या केस पर सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। बीजेपी अब इसे संसद में उठाकर सपा और विपक्ष के पीडीए मुद्दे और महिला सुरक्षा की पोल खोलने की तैयारी में है। देखा जाए तो आपको मुलायम सिंह यादव का लड़कों से गलती हो जाती है वाला बयान तो याद ही होगा। अखिलेश यादव भी जैसे संवेदनहीनता से इस मामले में बयान दे रहे हैं, वो मुलायम सिंह यादव के बयान से भी ज्यादा हैरान कर रहा है। एक लड़की जिसकी अस्मत लूटी गई, जिसने अभी जिंदगी को सही से देखा भी नहीं था, उस लड़की के रेप के बाद अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। हालांकि अब अखिलेश यादव कैसे इस मामले में आगे अपना पक्ष रखते हैं और कैसे पीडीए को भी संभाल कर रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।